पदाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी पदाधिकारी बक्सर के किसान इन दिनों यूरिया की किल्लत को लेकर काफी परेशान हैं। खाद्य नहीं मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और किसान दुकानों और कृषि कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित किसानों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से खाद की पर्याप्त मात्रा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। मार्केट में जो खाद उपलब्ध है उसके लिए उसमें मोटी रकम मांगी जा रही है। जब इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी से शिकायत की जाती है तो वो कार्रवाई करने की बजाय आनाकानी करते नजर आते हैं। धरना को लेकर इसलिए के यहाँ पे किसान इतना किसान है, खाद नहीं मिलता है। यूरिया कहीं दुकान पर 5-6 दुकान पर कल परसों गए, कह रहे हैं कि हमारा दुकान पर है ये नहीं है। हम बक्सर पूर्वी का जिला परिषद या और सब प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू का बक्सर के हैं धर्मेंद्र ठाकुर। अब बताइए कि किसान लोग परेशान है, उन लोगों का खेत में कैसे ठिकाएगा। आइए इनके पास आए, सोचे कि आज चलिए मिले तो ताला बंद है भीतर से। कह रहा है कि कोरोना में किसी से मिलना जुलना नहीं है। कहाँ डीएम साहब का बंद है वहाँ पर कलेक्टरीट, एसपी साहब का ना ही बंद है। इतना बड़ा पदाधिकारी हो गए हैं कि इनका बंद है। किसान लोग रास्ते पे रोड पे खड़े हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसे पदाधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए। हम लोग आज सीएम साहब के हैं, आज आवेदन देंगे, फैक्स करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी जिला में नहीं रहना चाहिए जो किसान के लिए नहीं सोचता है। तो वहीं जेडीयू के नेता और जदयू के जिला प्रवक्ता अशोक सिंह किसानों के साथ कृषि कार्यालय पहुंचे, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर कार्यालय के अंदर उन्हें जाने से रोक दिया गया और कार्यालय के मेन गेट में ताला लगा दिया गया ताकि कोई भी कार्यालय के अंदर न जा सके। जिसके बाद किसानों ने कृषि कार्यालय के मुख्य गेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया और कृषि पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी सत्ता में रहते हुए क्या कारण? सत्ता और संघर्ष दोनों साथ साथ होना चाहिए। हम लोग डॉक्टर लोहिया के अनुयायी, हम उन लोगों से सीखे हैं, उन लोगों से पढ़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि सत्ता के साथ साथ संघर्ष भी होना चाहिए। संघर्ष नहीं होगा तो ऐसे पदाधिकारी जो जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि गेट बंद कर लिया है, कोरोना का बहाना बनाकर गेट बंद कर लिया है। किसान खाद बिना मर रहा है, बिना खाद का गेहूँ बोया है कि बिना खाद का गेहूँ का पटवन कर लिया, खाद मिला नहीं। और सरकार विज्ञापन निकालती है, जिला प्रशासन विज्ञापन निकालता है कि खाद अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ खाद 600 रुपये बोरिया मिलता है, 500 रुपये बोरिया मिलता है। लग कहता है कि सरकार खाद की सप्लाई नहीं करती है, तो खाद आखिर 600 रुपये 500 रुपये में इस जिला में कहाँ से मिलता है? इसका मतलब किसी दुकानदार के यहाँ जाइए, दबे जुबान से कहता है कि डीओ साहब के कारण ही दाम बढ़ा है, डीओ साहब के चलते ही सब हो रहा है। और हम लोग इस बात को जानने के लिए आए, टेलीफोन उठाते नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं तो टेलीफोन उठाते नहीं है, उठाते हैं तो दाएं बाएं करके मोबाइल काट देते हैं। और जब यहाँ मिलने के लिए सारे लोग आए हैं तो ये अपना ताला बंद कर लिए हैं कि कोरोना काल है, कोरोना में किसी से नहीं मिलते हैं। तो डीएम साहब का तो गेट खुला है, एसपी साहब का भी गेट खुला है, एसडीओ साहब का भी गेट खुला है, और ये इतने बड़े पदाधिकारी हैं, इनका गेट बंद हो गया है कि किसान को आश्वासन भी नहीं दे सकते हैं। किसान को तो छोड़ दीजिए, हम लोगों से जो बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो हम समझते हैं कि किसान को तो ये गेट से बाहर ही कर देता होगा लोग। इसलिए हम आग्रह करेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को अविलंब निलंबित हो जाना चाहिए। फिलहाल जेडीयू नेता ने भी कृषि पदाधिकारी पर खाद की कालाबाजारी में संलिप्त होने और कमीशन खोरी के साथ तानाशाही रवैया अपनाने को लेकर बड़े अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।